हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष गुजरे एक बार फिर से आप सभी का केमिस्ट्री स्टूडेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज का जो अपना इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना जो चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिक का, सेकंड चैप्टर था एल्कोहल, फिनोल और इथर। अपन ने फर्स्ट चैप्टर कर लिया ऑर्गेनिक का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, उन सभी के वीडियो आ चुके हैं। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगे, आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इनमें से अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किसको किया था, एल्कोहल को। एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड देख लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, नामकरण वगैरह अपन ने सब कर लिया, और एल्कोहल के अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं अभी अपन। और लास्ट वाले वीडियोज में मैंने, लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड अगर अपन क्लीवेज करें तो कौन सी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन की अपन ने बात कर ली थी। तो स्टूडेंट, आज जो अपन बात करेंगे कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड केमिकल रिएक्शन, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। ये देखो यहाँ पे ये लाइनिंग आपको दिखा रखी है ना, ये क्या है, क्लीवेज, यानी कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, उसके अपन को केमिकल रिएक्शन देखनी है। तो स्टूडेंट, इसमें अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है आप लोगों का, लुकास टेस्ट। कौन सा, लुकास टेस्ट क्यों किया जाता है। तो देखो, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों के सामने एग्जामिनर हो, ठीक है, और आप लोगों से बोले या आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दे दे कि आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कैसे कर सकते हैं, उनको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, तो स्टूडेंट हो गए ना टेंशन वाली बात, बताओ कैसे करोगे। अच्छा, कुछ बच्चे इतना दिमाग लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर हम क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में एक एक सिट मार के देख लेंगे कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो स्टूडेंट, ऐसा नहीं होने वाला, उससे पता नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी दिमाग लगा रहे हैं कि सर उसकी स्मेल से पता लगा लेंगे ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बच्चों आप गलत हैं, बिल्कुल आप सही नहीं सोच रहे हैं। अब देखो कैसे पता लगता है इसका, तो उसके लिए आप लोगों को हेडिंग डालनी पड़ेगी कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड। यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला चिन्ह है ना, ये लगा देना है, यहाँ पे दिखा देना है ना, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और इसमें पहली हेडिंग डाल लो आप लोग लुकास टेस्ट, यही अपना क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लुकास टेस्ट। तो देखो स्टूडेंट, लुकास टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एल्कोहल के, एल्कोहल की पहचान के लिए कि कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। स्टूडेंट, जो लुकास आपका जो रिएजेंट है, लुकास रिएजेंट है वो देखो ये है कि HCl और साथ में क्या आपको मिल जाए ZnCl2, ये क्या है आपका लुकास रिएजेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन होगा साथ में, HCl और ZnCl2, ठीक है। और स्टूडेंट ये किसके लिए आता है आपको पता है, टेस्ट के लिए आता है, किसके टेस्ट के लिए, एल्कोहल के टेस्ट के लिए। क्या पहचाना जाता है इससे कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री कौन सा है, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, हुई। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप लोग क्या कर लोगे, उसको पहचान लोगे कि 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा और 3 डिग्री कौन सा है, ठीक है बेटा। तो देखो मैं यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल लिख रहा हूँ, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और चलो पहले 3 डिग्री लिख लेते हैं, ये कौन सा है, 3 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद मैंने लिखा 2 डिग्री एल्कोहल। अब आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि 1 डिग्री कौन सा होता है, 2 डिग्री कौन सा होता है और 3 डिग्री कौन सा होता है। तो स्टूडेंट काफी बारी बता चुका हूं मैं 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा, 3 डिग्री कौन सा है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में क्या ले रखा है, आपने एल्कोहल ले रखा है, और जैसे ही उसमें आप HCl और क्या डाल दो, ZnCl2, HCl और ZnCl2 जैसे ही आप इसमें डालोगे 3 डिग्री एल्कोहल में, तो स्टूडेंट ये तुरंत तुरंत मतलब डालते ही क्या दे देगा, टर्बिडिटी दे देगा, क्या दे देगा, टर्बिडिटी दे देगा डालते ही। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, धुंधलापन। टर्बिडिटी का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे धुंधलापन कर देगा, यानी उसको क्या कर देगा, थोड़ा सा एल्कोहल को धुंधला बना देगा, ये समझ रहे हो बात को। तो ये क्या करेगा, 3 डिग्री एल्कोहल डालते क्या दे देगा, टर्बिडिटी दे देगा। फिर है 2 डिग्री एल्कोहल, इसमें अगर अपन HCl और क्या डाले, ZnCl2 अगर इसमें अपन डाले, तो ये स्टूडेंट 5 मिनट पश्चात क्या देगा, यहाँ पे टर्बिडिटी दे देगा, धुंधलापन दे देगा। यानी 2 डिग्री एल्कोहल में आप जैसे HCl और ZnCl2 डालोगे तो ये 5 मिनट पश्चात ये आपको क्या दे देगा, टर्बिडिटी दे देगा, यानी धुंधलापन उसमें आ जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल में जैसे ही आप HCl और ZnCl2 डालोगे तो
स्टूडेंट यहाँ पे रिएक्शन नहीं होने वाली, तो फिर क्या करेंगे अपन, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और काफी देर तक खिलाएंगे, मतलब कितने समय तक, 30 मिनट तक। 30 मिनट बाद क्या देगा ये, टर्बिडिटी देगा। तो स्टूडेंट इससे आप लोग पहचान सकोगे कि 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी देता है तुरंत, मतलब आप जैसे डालोगे तुरंत में टर्बिडिटी। सेकेंड डिग्री यानी 2 डिग्री अल्कोहल, वो क्या करेगा आप लोगों को 5 मिनट पश्चात टर्बिडिटी देगा, और 1 डिग्री अल्कोहल को गर्म करना पड़ेगा, है ना, डालते ही नहीं होगा, गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद वो 30 मिनट पश्चात आपको क्या देगा, टर्बिडिटी देगा। तो ये तो है स्टूडेंट इनके पहचानने का तरीका कि जैसे आपने लुकास गेजेट इसमें से डाला तो ये वाली क्रिया ये सभी में यहाँ पे हो जाएगी। अब रिएक्शन कैसे होती है और उसकी मैकेनिज्म क्या है, अभी अपन सॉरी रिएक्शन क्या है और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है उसकी अपन अभी बात कर लेंगे। देखो स्टूडेंट मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, यहाँ पे मैंने लिया ये, देखो सिंपल जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, मैंने क्या लिया ROH यहाँ पे लिया और उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी, HCl के साथ, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ZnCl2, है ना, क्या लिया ROH लिया, HCl साथ में लिया और ZnCl2। स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या, ये OH और ये H, सर यहाँ से OH क्यों ब्रेक किया, तो देखो स्टूडेंट बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, ऑक्सीजन टू कार्बन टू ऑक्सीजन, तो ये रहा आपका कार्बन। R का मतलब क्या है यहाँ पे, एल्किल समूह तो है, जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ये क्या है एल्किल समूह, मतलब एक कोई लंबी चेन है कार्बन की लगी हुई, वो भी कौन सी, एलिफेटिक चेन। तो स्टूडेंट यहाँ पे OH बॉन्ड और यहाँ से H दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और साथ में क्या बना देंगे, मिलके जल, जल का निर्माण हो गया। और दूसरा आपका क्या बनेगा यहाँ पे, देखो R और Cl, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला जो वीडियो है यानी लास्ट वाले चैप्टर के जो वीडियो वो आपने देखे होंगे, तो ये क्या कहलाता है आपका R और Cl, ये क्या कहलाता है आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो स्टूडेंट ये एल्किल हैलाइड क्या होता है, ये वाटर अनसोल्युबल होता है, वाटर अनसोल्युबल, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पानी में घुलेगा नहीं, पानी में घुलेगा नहीं, तो बस इसी से पता लग जाता है अपन को, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है इसकी सिंपल रिएक्शन। अब ये सब काम हुआ कैसे है वो अपन को देखना है, कैसा क्या हुआ है 3 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में और 1 डिग्री अल्कोहल में, ऐसा क्या हुआ है कि ये तो तुरंत दे देता है, ये 5 मिनट पश्चात टर्बिडिटी दे देता है और ये 30 मिनट पश्चात टर्बिडिटी देता है, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे अल्कोहल ले लिया, ठीक है, और उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी मैंने, ZnCl2 के साथ, इसके साथ करवाई ZnCl2 के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई। तो स्टूडेंट अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास है दो दो लोन पेयर, और स्टूडेंट ZnCl2 आप क्या है, लुईस एसिड है। ये रिएक्शन हुई कैसे वो बता रहा हूँ, ये रिएक्शन हुई कैसे है उसकी मैकेनिज्म है ये। तो स्टूडेंट ZnCl2 क्या है, लुईस एसिड, लुईस एसिड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है बच्चों, कमी है। तो स्टूडेंट जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो स्टूडेंट ये क्या करेगा यहाँ पे, इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा किसको, ZnCl2 को। तो सिचुएशन कुछ आप लोगों के सामने ऐसी आने वाली है कि R ये O इसके साथ में यहाँ पे लगा देता हूँ, H लगा सकता हूँ और साथ में क्या आ जाएगा इसके, ZnCl2, ये इसके क्या आ गया, साथ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो इस ऑक्सीजन को नोटिस कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसपे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव का। स्टूडेंट यहाँ पे ये बात हजम नहीं होगी ऑक्सीजन को, तो वो क्या करेगी, यहाँ से देखो बॉन्ड, यहाँ से अपन को कौन सा ब्रेक करना है, ध्यान से सुन लेना, बॉन्ड अपन को ब्रेक करना है ये वाला ही, क्यों, क्योंकि अपन पढ़ के आ रहे हैं कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से आप लोगों ने ब्रेक किया। स्टूडेंट ब्रेक किया और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होने के कारण यहाँ से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगी और अपने प्यास बुझा लेगी, अपने पॉजिटिव को क्या कर लेगी, कम कर लेगी। तो जो सिचुएशन निकल के सामने आएगी वो कुछ ये आने वाली है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन कुछ सामने आने वाली है वो ये आने वाली है कि देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ZnZn और ये OH, ठीक है, और ये Cl2 और ये लो,
कोऑर्डिनेशन आपको कंपाउंड मिल जाएगा यहाँ पे, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आया? नेगेटिव चार्ज इसलिए आया बच्चों क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किया है, खींचा है। क्या किया है? खींचा है। और स्टूडेंट साथ में क्या मिल जाएगा आप लोगों को, ध्यान से सुनना, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा? एक आपने HCl भी तो लिया था, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से काफी अच्छी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो स्टूडेंट अब देखो R से यहाँ से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए इस एल्किल चेन से, स्टूडेंट इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव का, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। एक बन जाएगा आपका RCl, एल्किल हैलाइड। ये क्या है, वाटर अनसोल्युबल है ना, वाटर में सोल्युबिलिटी इसकी क्या है, नगण्य है, कम घुलता है। ठीक है बच्चों, तो ये RCl बन गया और एक आपका बन गया ये। अब स्टूडेंट आप लोगों को करना क्या है, H प्लस जो कि यहाँ से मिल जाएगा आपको, H प्लस मिल गया तो स्टूडेंट मिलेगा क्या, बनेगा क्या, देखो OH और H प्लस, नेगेटिव चार्ज किस पे था, इस ऑक्सीजन पे था ना, इस ऑक्सीजन पे था, तो OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बना लेंगे, वाटर जल मिल बन गया, और साथ में क्या निकल जाएगा, ZnCl2। ये लो, ये इसकी क्या हो गई, मैकेनिज्म। ये ZnCl2 फिर से कोई रिएक्शन कर लेगा किसी अल्कोहल के साथ, फिर से ये प्रक्रिया क्या रहेगी, चलती रहेगी। तो स्टूडेंट ये था आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अभी आप वीडियो को पॉज करो और अभी इसको क्या कर लो, ओके कर लो। तो स्टूडेंट ये लुकास टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जामों में, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे है ना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, चीजें आसान है, ऑर्गेनिक खाद है नहीं, समझ में आ जाएगी। मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलता हूँ कि क्या है ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री, आसान है। ठीक है बच्चों, तो इसी मोटिवेशन के साथ मेहनत करते रहें, सफलता आप लोगों की कदमों में होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।